ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक बिल्कुल न्यू रीडिंग के साथ आए हैं जो कि है नो कॉन्टैक्ट पे। सो ये अगले एक वीक की रीडिंग है फ्रेंड्स, और आपका सबको इसका बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि अगले एक वीक की क्या एनर्जी रहेगी हमारे पार्टनर की और किस तरह से चीज़ें होंगी। सो ये बहुत ही मोस्ट अवेटेड रीडिंग रहती है, और इस रीडिंग में आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिले, इसलिए मैं ये रीडिंग जल्दी पोस्ट कर दूंगी आज टाइम से पहले। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग मुझे कॉल करने की बजाय पहले व्हाट्सएप करा करें, अगर जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेनी होती है, ठीक है, कॉल मत करा करिए, क्योंकि मैं किसी दूसरी रीडिंग के बीच में होती हूँ तो मैं एकदम पिक नहीं कर पाती। अच्छा, कमिंग बैक टू द रीडिंग, जो भी लोग फर्स्ट टाइम मेरी रीडिंग देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो प्लीज़ आप लोग रीडिंग्स पसंद आए तो इन्हें लाइक ज़रूर करें, जिन्होंने नहीं किया है वो भी करें। इस रीडिंग को एक जनरल रीडिंग की तरह लेना, ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करना है, और फोर्स करके कुछ बेकार कमेंट्स ना करें, समझें कि ये सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। आई होप कि आप सब लोग इस कैटेगरी में फॉल नहीं होते। तो जैसे मैं अभी इस रीडिंग को करूँगी उसमें सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी बताऊँगी, अगर आपकी एनर्जी मैच होती है तो भी आप रीडिंग को कंटिन्यू करें, अदरवाइज़ वहीं पर उस रीडिंग को छोड़ दें, क्योंकि जब आप ही की एनर्जी मैच नहीं हो रही तो आपके पार्टनर की कैसे होगी, आप समझें। सो मैं एक आपको एक क्लैरिटी देना चाहती हूँ इस रीडिंग पे, और प्लीज़ ज़बरदस्ती स्ट्रेस ना लें इस रीडिंग के लिए। लास्ट में मैं लव मैसेजेस निकालूंगी जो कि एक बहुत ही क्लियर और बहुत ही डिफरेंट अप्रोच से उस डेक से मैसेजेस आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, और इसे अपने सन मून साइन जिससे भी आपको ईजी लगे कंपेरेटिवली उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देखें। सो जल्दी से अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जेमिनाय, नो कॉन्टैक्ट में क्या सोचते हैं आपके पार्टनर, क्या चल रहा है आपके और आपके पार्टनर के माइंड में, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला, आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या रीडिंग है, यानी कि आपकी फीलिंग्स। द फूल, फाइव ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। जेमिनाय, आप मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो जाए, हाँ, एक ज़िंदगी एक नए मुकाम पे पहुंच जाए। आप या तो जो आपने ये इस रिलेशनशिप में जो डिसीज़न लेने में जो देरी करी है बहुत, आपने या तो अपने इस पार्टनर का बहुत लंबा वेट किया कि ये वापस आ जाएगा, इसे समझ आ जाएगी, ये हमारे प्यार को फील करेगा, आपको या तो आपने बार बार इसको बहुत मौके दिए कि फिर एक चांस दे दूँ चलो ठीक हो जाए, फिर एक चांस दे दूँ फिर चलो ठीक हो जाए, लेकिन इतने मौके देने के बाद हुआ ये कि एट द एंड आप ही अकेले हो जाते हो। आप मुझे डिप्रेशन में दिखते हो, आप मुझे स्ट्रेस में दिखते हो। जब भी मैं रीडिंग निकालती हूँ जेमिनाय हमेशा प्रॉब्लम में या स्ट्रेस में हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता। आप हर वक्त डबल माइंडेड रहते हो, आपको यही नहीं पता लगता कि मुझे एग्जैक्टली डिसीज़न क्या बनाना है, आपको छोड़ना है इस पर्सन को या आपको इसके साथ टिके रहना है। नो कॉन्टैक्ट में रहते हो फिर भी इसी के बारे में सोचते रहते हो, और रिग्रेट में रहते हो, फिर आप जब इसको समय देते हो ये आपका टाइम वेस्ट कर देता है या कर देती है, फिर आप जब वापस से एक होते हो फिर जब भी आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल नहीं कर पाता फिर आप सोचते हो चलो छोड़ो अब मैं क्या करूँ, मेरी गलती है, मेरे को इसको मौका देना है, मुझे इसकी याद आती है, मैं इसके बिना रह नहीं पाती, तो फिर आप ऐसे जोन में चले जाते हो। मतलब आप ना अभी तक, इतना लंबा टाइम हो गया आपको इसके साथ, अब आप नो कॉन्टैक्ट में आ गए हो, अभी भी आप कंफ्यूज हो, अभी भी आप स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं ले पा रहे, आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा, और आप इसकी वजह से हमेशा दर्द में रहते हो, प्रॉब्लम में रहते हो, तो आपको छोड़ना पड़ेगा। कार्ड्स आपको यही कह रहे हैं कि आप बाहर निकलो, ये हर वक्त स्ट्रेस की एनर्जी में रहना भी सही नहीं है, ठीक है ना। देखते हैं ये पर्सन भी यही सोच रहा है या इसकी कुछ और एनर्जी है। सो जेमिनाय के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, वो क्या सोचते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, डेविल एंड स्ट्रेंथ।
देखिए ये पर्सन ना, आप जैसे जितना इसको भाव देते हैं ना जेमिनाई, ये आपको भाव देने के मूड में नहीं है। इस बंदे के माइंड में इतनी नेगेटिविटी भरी है, या बंदी के, ये बार ये इसे एक तो सबसे पहले इसको ये लगता है कि मैं ही सही हूँ, मैं ही जो हूँ। अच्छा, बार बार आप जो नो कांटेक्ट में चले भी जाते हैं तो इसको लगता है कि आप इससे इतना ज़्यादा अटैच्ड हैं, चाहे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फिजिकली अटैच्ड हो, तो इसको लगता है लौट के तो मेरे पास ही आना है, वापस तो इसने मेरे पास ही आना है। वो वाली फीलिंग है, मैं कितना भी बुरा कर लूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो इस फीलिंग के साथ इसको ना आदत हो गई है जीने की, क्योंकि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कर दो, उसको हर समय यही रियलाइज़ कराओ कि देख तेरे बिना तो मैं रह ही नहीं सकती, तेरे भी, और आपने जेमिनाई इसको वो फीलिंग दी है, तभी इसे आपको यूज़ करने की कहो या आपको बेवकूफ़ बनाने का वो स्ट्रेंथ मिला है। समवेयर यू योर सेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अभी इसे लग रहा है कि ये नो कॉन्टैक्ट आया, वापस से ये फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी ये झगड़ा हुआ है, फिर से जेमिनाई मेरे से दोबारा से रीस्टार्ट कर लेगा, क्योंकि वो तो मेरे पीछे है, वो तो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, वो तो मैं जो कहूँ, दिन कहूँ, रात कहूँ, जो कहूँ वो वैसे ही मान जाएगा। तो ऐसी फीलिंग में आ जाता है ये पर्सन। अभी आपके ऊपर है आप इसे कैसे डील करना चाहते हो। ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहा है मुझे आपका पर्सन। आपके ऊपर है कि आप क्या फील करना चाहते हैं, क्या है इसके डायरेक्ट मैसेजेस, क्या बोलना चाहता है ये पर्सन आपको। I wanted to teach you a lesson, बताओ। ये तो आपको कोई लेसन सिखाना चाहता है। अब ये क्या लेसन है, किस तरह का लेसन है, तो ये आपको जेमिनाई देखना होगा। You are no more needed in my life। आप मेरी ज़िंदगी में ज़रूरी ही नहीं हो, आपकी अब और कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो आप अपनी लाइफ में रहो, खुश रहो, दुखी रहो, ज़रूरत नहीं है। एंड लेट सम स्पेंड सम टाइम टुगेदर। अब आप इसकी यहाँ पर स्ट्रेटजी देखो, ये आपको एक लेसन सिखाना चाहता है। आपकी इसको ज़रूरत वरूरत नहीं है, लेकिन आपके साथ इसको रहना है। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे बेवकूफ़ बन के इसकी लाइफ में रहते हो और इसको वो सारी चीज़ें देते हो जहाँ से कहीं ना कहीं इसको अपना फ़ायदा मिलता है, और आप ये चीज़ को नहीं समझ रहे। देखिए ये हर एक पार्टनर के लिए नहीं है, जेमिनाई के, मैं कहूँ कि जेमिनाई 12 के 12 साइंस के साथ डील करता है और 12 के 12 साइंस जेमिनाई के साथ ऐसा करते हैं, तो ये यहाँ पर मैं ये क्लैरिफाई कर देने चाहती हूँ। ये उस मतलबी पार्टनर के लिए है जेमिनाई के, जिसकी एनर्जी पिक हुई है। तो कहीं मुझे बाद में लोग कॉमेंट करके ये बोलें कि मैम आप ये कह रहे थे, आप, हम तो ऐसे नहीं हैं, हम तो जेमिनाई के पार्टनर हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सो ये चीज़ अपने माइंड में पहले ही डाल दो कि ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जेमिनाई आपकी रीडिंग ख़त्म होती है और आप कहीं ना कहीं एक मतलबी पार्टनर से डील कर रहे हैं, आपको समझना होगा। सो यहाँ पर ये एनर्जी को मैं करती हूँ कंप्लीट। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट करें, नीचे नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें। सो मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय फ्रेंड्स।